क्लिनिक जा रहा हो? हाँ भाई हाँ, दो तीन पेशेंट्स को ठिकाने लगाना, आई मीन ठीक करना है। सुनो सुनो सुनो, अपना पेनवा जरा हमको देते जा। पेनवा? ये सुबह सुबह मेरे पेनवा की जरूरत कैसे आन पड़ी तुमको? अच्छा समझा समझा, लगता है तुमने अपनी एक्टिंग की दुकान बंद कर दी, अब राइटिंग की दुकान शुरू कर रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई, वो कहा है ना कि आज जो है ना हमारा स्क्रीन टेस्ट है, तो डायरेक्टर जैसे हमको देखेगा तो कहेगा मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, हीरोइन के घर में झाड़ू देने वाला मिल गया। अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो, जब डायरेक्टर हमको देखेगा तो कहेगा मुझको मिल गया, हमारी फिल्म का हीरो मिल गया रे, तो फिर हमको फॉरन फिल्म साइन करने कहेगा, तो हम कहूंगा कि हाँ हम तुम्हारा फिल्म साइन करूंगा, लेकिन हम अपने पर्सनल पेन से साइन कर। कट। और उसके बाद तुम शाइस्ता कसम से मेरा दिया हुआ पेन निकालोगे, और वो डायरेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ आगे बढ़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, कि अचानक हवा का झोंका आएगा और कॉन्ट्रैक्ट उड़ता हुआ जाएगा, तुम हाई स्पीड में उसके पीछे दौड़ोगे, भागोगे उसे पकड़ने के लिए, और तुम पलंग के नीचे, तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ऐसा एक दिन यही खूबसूरत चेहरा फिल्मों में दिखाई देगा, देश की सुंदर सुंदर और जवान लड़कियां सामान पैक करके अपने बाबुल के घर से भागने की तैयारी कर लेंगे, देखना क्या इज्जत होगी हमारी। इज्जत? किशन, तुम इसे इज्जत कहते हो? अरे इज्जत देखनी तो इस डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से। हाँ हाँ, रोटी की असली वैल्यू उसी को मालूम होती है जो भूखा होता है। करेक्ट। क्या बकवास कर रहे हो तुम, एक बार मेरी क्लिनिक में आके देखो, लोग कितनी इज्जत करते मेरी, कितना सम्मान देते मुझे, कितना पॉपुलर हूँ मैं। हाँ पता है तुम कितना पॉपुलर हो, अगर कॉलोनी के बाहर खड़ा के पूछो कि भैया सुनो इधर आओ राज कौन है, तो लोग कहते हैं कौन राज, राज पिपला या राज बटिंडा। वो तो इसलिए क्योंकि मैं बड़ा लो प्रोफाइल किस्म का आदमी हूँ, पब्लिसिटी से दूर रहता हूँ समझे, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो तहलका मचा सकता हूँ, हर अखबार में मेरी तस्वीर छप सकती है। रहने दो राज, इतनी लंबी लंबी मत फेंको, अगर अखबार में ऐसे हर किसी हरे गहरे नथु की तस्वीर छपने लगे तो अखबार में तो सिर्फ फोटो ही फोटो रह जाएगी, न्यूज़ तो गायब हो जाएगी। किशन, तुम्हारी बातों से मेरा खून खौल रहा है। हाँ तो खौलने दो, थोड़ी देर में अपने आप पे ठंडा जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये बात है, दिन कौन सा है? फ्राइडे। देखना, अगले फ्राइडे तक मैं तहलका मचा दूंगा, हर अखबार हर न्यूज़पेपर, यहाँ तक इंडियन न्यूज में भी मेरी तस्वीर होगी, याद रखना, चैलेंज है मेरा। और वो फ्राइडे तो 13 होगा। कैसे 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 चैलेंज पूरा करूं मैं अपना? सर, आप अपने चैलेंज का टेंशन लेके बैठे हैं और बाहर आपके मरीज रो रहे हैं। नालायक, वो जब तक बीमार रहेंगे रोते रहेंगे, मैं टेंशन। सर, इंसान बीमारी में इतना नर्वस क्यों हो जाता है? अरे बेवकूफ, इसलिए क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार होता है, और जो मौत का डर है ना बहुत ही भयानक होता है। तू डिस्टर्ब मत कर मुझे, मैं चैलेंज कैसे पूरा करूं? सर, लोग मौत से कब तक यूं ही डरते रहेंगे? अरे भाई, दो ही सिचुएशन में ये डर जा सकता है। किससे किससे? एक तो मौत आ जाए या मौत आए नहीं। हाँ? बोलता है। यानी अमर हो जाए। अरे सर, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कंपाउंडर, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। मैं अमर होने की दवाई बनाऊंगा, समझा? हाँ, समझा। मैं हाँ। मैं तुझे हाँ। यकीन हो रहा है कि नहीं? हाँ। मैं बनाऊंगा। हाँ। जा। जानकर बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा कि इस बक्से के अंदर मेरा लेबोरेटरी का सामान है। अरे हमको कोई धक्का उक्का नहीं लगेगा। अरे बंदर के हाथ में झंडा पकड़ा देने से कहीं वो नेता बन जाता है का? वैसे लेबोरेटरी में करोगे का? आविष्कार, एक इतना जबरदस्त टोटिंग जाइगेंटिक आविष्कार कि दुनिया दंग रह जाएगी, दुनिया दंग हो जाएगी और मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। हमको फिर भी कोई टेंशन नहीं हुआ। अरे हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, जाओगे हवाई जहाज बनाने तो मुश्किल से पतंग बना पाओगे। बार में कुछ ना कुछ करके ही रहूंगा। ये टेस्ट ट्यूब देवी, मेरी मदद कर, फिर कुछ नहीं सोचता। राज सेठी, इस टेस्ट ट्यूब देवी की तुमने 36वीं बार जय बोली है, अरे शुरुआत कब करोगे? अरे करूंगा भाई, करूंगा, कुछ सूझे तो सही। कुछ नहीं सूझने वाला, क्या जरूरत थी किशन के सामने हीरो बनकर चैलेंज करने की है? अंकल, पापा क्या कर रहे होंगे?
अरे कोई कद्दू में तीर नहीं मार रहे होंगे, पकड़ा होगा कोई टेस्ट ट्यूब का गर्दन और जोर जोर से छाती पीट पीट के दहाड़ मार के रो रहे होंगे कि हम भी खामखा कभी कभी बहादुर क्यों बन जाते हैं। गया गया गया, लगता है तुम्हारा बाप फुल पगलेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, लोग मुझे पागल की बेटी पुकारेंगे, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मैया तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी हम हूँ, हम तुम्हारा एडमिशन किसी साफ सुथरे 5-स्टार अनाथालय में करा दूंगा। हो गया हमको मालूम था एक न एक दिन तुम बहुत बड़ा कमाल करोगे। मैं जानता था लड़का अपना है शेर, बस दुम लगने की हद है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, आपकी वजह से आज मुझे अपने एक्टिंग का कमाल दिखाने का मौका मिलेगा सर। बस फिक्र ना करो, जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, समझे? कौन सा एहसान की बात कर रहे हो राज? और ये कौन? अरे इसकी शक्ल को जानी पहचानी। अरे आइए आइए आइए, जरा बताओ ना। आइए सर, इसको देखने तो लगता है इसको कहीं देखा है। और देखा ही होगा भाई, हर अखबार में हर मैगजीन में इनकी तस्वीर जो छपती है। अरे यही तो है वो मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रोफेसर रामा रामा। गजब हुई गवार है। का हो गया? अच्छा अच्छा, का हुआ तुम्हारे अमर करने की दवा में कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? मेरी समझ में आया कि तुम गलती से जहर बना डाले। नहीं, मैं जानता था तुम और सारी दुनिया वाले यही समझेंगे, मुझ पे शक करेंगे, इसीलिए मैं इतने महान प्रोफेसर रामा रामा को लाया हूँ मेरी दवाई वेरीफाई कराने के लिए। सर डॉक्टर दीने मत आपको, पहले ये बताओ कि तुमने किया क्या है। सर वैसे खास कुछ नहीं किया, मैंने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, फिर हिलाया, उसको फुलाया, उसमें से धुआं निकाला, और उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट करके मैंने रिट्रीफ्यूजन कर दिया सर, हो गया। मार्वेलस जी डॉक्टर राज, तुमने तो कमाल कर दिया। हां काका, क्या हुआ? काम को समझा कर, क्या हुआ? कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, ये धरती के लाल है, हरे है, पीले है, आगे बोलो आगे बोलो, भूरे है। रंग की बात नहीं कर रहा, मेरी तारीफ करवा रहे। डॉक्टर राज, तुमने तो अमर होने की दवा बना ली। डॉक्टर राज ने अमर होने की दवा बना ली? अमर होने की दवा बना ली? अरे हमको तो पहले ही पता था, बहुत काम का आदमी है भाई, बहुत काम का आदमी, लाओ ये दवा हमको दे। नहीं तुम्हें क्यों दूं मैं? अरे हम भी तो चख के देखो कि इसका स्वाद कैसा है। जी बहुत लपलपा रही, देखो लपलपाने दो लपलपाने दो, तुम शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं अपना चैलेंज नहीं भूला हूं। फ्राइडे को 5 रोज बाकी है, और पता है 5 रोज बाद मैं एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाऊंगा, वहां ये दवाई दिखा के खुद पीऊंगा, तुमको मिलेगा ठेंगा। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको घर छोड़ दूं। घर नहीं, क्लिनिक। क्यों? ताला मारना पड़ेगा। आइए आइए आइए, आप थक गए होंगे। आइए आइए। डाल डाल मैं डाल डाल। सिर्फ 2 नींद की गोलियां? अगर इसमें पापा को नींद नहीं आई तो और डालो। अरे नहीं बबनी, नहीं रे पुत्रु, मैं नहीं चाहता कि तुम यतीम हो जाओ, अनाथ हो जाओ। अरे तुम्हारा बाप अगर हमेशा के लिए सो गया तो? So what? अमर होने के लिए थोड़ा रेस्ट तो लेना ही पड़ता है ना। डालो। डाला डाला, देख 2-3 टपाटप पट पटापट सब डाल दिया। मैं अंदर आ जाऊं पापा? नहीं पापा, प्लीज पापा। नहीं कहा ना? पापा प्लीज। अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्या काम है? कुछ नहीं पापा। hey! घबराई मत पापा, मैं आपकी दवाई लेने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? मैं आपके साथ थोड़ी देर बातें करने आई हूँ और खाना खाने आई हूँ। अच्छा, मुझ जैसे शाने डॉक्टर सेठी को शिंडी लगा रही हो तुम? हाँ मैं जानता हूँ दाल में कुछ काला है। दाल में पापा? नहीं दाल में तो कुछ काला नहीं है। नहीं है? यानी दाल खिला के तुम मुझे वरगलाना चाहती हो और मेरा सीक्रेट फॉर्मूला आउट करवाना चाहती हो, क्यों? आपको मेरी भूली सूरत पर कुछ शैतानी नजर आती है? नहीं बेटी नहीं, बिल्कुल शैतानी नजर नहीं आती, लेकिन तू मेरा खून है ना, इसलिए कभी कभी शक भी होता है, समझी?
अगर आप चाहते हो कि मैं भूखी ना रहूं, तो आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पापा प्लीज। पापा, नहीं कहा ना मैंने? पापा प्लीज। नहीं प्लीज। नहीं 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 नहीं। बुड्ढी बचिया के गए हुए तो आधा घंटा हो गया, अब तक तो रात सो गया। चल बेटा किशन, अब तेरी बारी है। सो गया ये जहां, सो गया ये साढ़ू, सांस को आस नहीं, बस मिल गई कामयाबी मुझे। अब ये दवाई पी के मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अरे छोड़ो यार, इस वक्त मजाक मत करो भाई साहब। हाँ हाँ, वो नहीं अगली। अच्छा अच्छा, किशन भैया एक काम करो, हमारी गुड़िया रानी को उठा कर जरा उसके कमरे में छोड़ा। गुड़िया रानी को? हाँ। कमरे में छोड़ा? हाँ। है कहाँ वो? ये क्या है? ये देखो तमाशा, ये छौड़ी तो यहाँ भुइया में लेटल भी है। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। चलो मृत्यु दाता, तुमने तो कर दिया इस सौदे में घाटा। करवा दी ना बेइज्जती। काहे की बेइज्जती? अरे क्या काहे की बेइज्जती, हमारी सेना का सेनापति जाके दुश्मन के खेमे में सूत रहे तो बेइज्जती हुई कि नहीं? क्या करती? पापा ने मुझे जबरदस्ती दाल पिला दी। ओ ये बात है तो ठीक है, अगर राज हिंसा पे उतर रहा है तो हम भी पीछे नहीं रहूंगा। मतलब आप पापा को जबरदस्ती दाल पिलाओगे? अरे नहीं, कोई दाल वाल नहीं पिलाऊंगा, हमारे पास एक था दूसरा आइडिया है। चलो अरे तुम सेनापति हो क्या, क्वेश्चन बहुत पूछती हो, हमको ज्यादा बहसा बहसी पता नहीं है मेरे पास। अब देखो हमारा कमाल। अरे ये डंडा हमारे पिलान में बहुत मददगार होगा, हम तुम्हारे बाप को यानी राज को किसी बहाने से बाहर बुलाएंगे, और जब वो बाहर आएगा तो यही डंडा से देखे हुँच के एक था खोपड़िया में देंगे, तमतमाए के मारेंगे लाठी, फोड़ेंगे कपार, जाके एकदम सारू जी बेहोश होकर गिर जाएंगे। अरे नहीं भैया, हम इतना निर्दयी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। सेनापति तुम भतर भतर बहुत करते हो, चुपचाप बैठ कर खाली तमाशा देखो। आ ए राज, ए राज, अरे आग लग गई यार, हमारे आप पजामा में आग लगी, हमने कहा ना कि चुपचाप बैठ कर तमाशा देखो। ए राज, ए राज, आग लगी हो, जल्दी आओ। अरे राज, राज देखो आग लगी है राज, तुम चुपचाप खड़ी तो देखना तुम्हारा बाप जरूर आएगा। अरे राज इधर आ, देखो आग लगी आग। अरे अचानक बुझ गई आग, क्यों और पानी डालू? हट, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलो पानी पानी रे। जीजाजी, जीजाजी, मेरे जीजाजी, देखो मैं आ गया। जीजाजी मैं आ गया। अरे अब आ रहे हो जब राज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया? मुझे मालूम था, मेरे जाने के बाद जीजाजी बहुत तोड़फोड़ करते हैं। क्या मामा, कभी तो समझा करो। स्टोरी ये है कि डैडी ने अमर होने की दवाई बनाई है। क्या अच्छी खबर दी है तूने, अब मैं बिंदास लड़की को पटा सकता हूँ, मरने का डर ही नहीं ना। अरे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज अकेले ही अमृत पीना चाहता है। अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ, वो भी फ्राइडे से पहले पहले, क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ने अकेले अमृत पी लिया तो हमको शर्मिंदा होकर जहर पी के मरना पड़ेगा। अरे आप क्यों टेंशन लेते हो जीजा जी, मैं हूँ ना। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? सोचने दो ना। सोचो सोचो। हाँ, लेकिन इस आइडिया में मुझे बहुत खतरा है। क्या मामा? हा? कभी तो जिंदगी में त्याग करो। ओके ओके, देखो जीजा जी, आप एक तेज चाकू लेके इस सीढ़ी से सीधा जीजा जी के रूम में जाइए। मैं नीचे खतरा उठाए गाड़ी में बैठा हूँ, ध्यान में रखना। वो चाकू दिखाइए, उसको धमकाइए, डराइए, और कैसे भी करके वो दवा उनसे हासिल कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, मुझे बहुत खतरा है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि ये काम तेरे लिए खतरे वाला कैसा है? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना। वाह 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 गुरु, क्या आइडिया, मान गए मान गए। इसलिए तो मेरा नाम गुल्लू है। मैंने कहा था ना, गुल्लू मामा ही हमको बचा सकते हैं। फिर छोड़, गाड़ी चलानी आती नहीं तो गाड़ी में बैठने का फायदा क्या है? ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया। इसीलिए तो तेरा नाम गुल्लू है। अरे भागने के बाद में सोचेंगे, पहले दवाई तो मिले। हाँ। तो ऑपरेशन दवाई हर पर शुरू। चली
जल्दी जीजा जी संभलना। शाबाश, क्या बात है जी जी, अभी मेरी मेरी जम देखना। हाथ देना जल्दी, प्लीज हाथ देना। गुड्डी गुड्डी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे ये तो चलती है। देखो जीजा जी, और देखो मैंने सामने सीढ़ी रखी हुई है, जैसे ऊपर चले गए मैं सीढ़ी हटा दूंगा। फिर मैं नीचे कैसे आऊंगा? जीजा जी लॉजिक, कूद के कूद के। हाँ, ऊपर जाके जीजा जी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। आप दवा लेकर आएंगे, अगर सीढ़ी से आओगे तो बहुत टाइम लगेगा, खुद कर आओगे तो फटाक करके आ जाएंगे। कैसा लॉजिक? कमाल का लॉजिक। अरे थोड़ा ट्राई तो करो। ट्राई काम करता हूँ, मैं दूसरी सीढ़ी लेके आता हूँ। दूसरी सीढ़ी? लेकिन ये वक्त रात को दूसरी सीढ़ी मिलेगी कहाँ? हाँ ये भी बात है, एक काम करते हैं, सुबह दुकान खोलते भी सीढ़ी लेके आऊंगा। सुबह तो डकैती होती है, चोरी तो रात को होती है। अरे पास आज ही रात करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमको ऊपर जाके दवाई चुराना है, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत छोटे पड़े। अच्छा अच्छा, ये अरे तो बहुत आसान है भाई। क्या क्या? आप एक काम करो, आप ऊपर चढ़ जाओ सीढ़ी पर जैसे पहले चढ़े थे, और मैं नीचे से सीढ़ी को उठा लेता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं चढ़ जाऊँ सीढ़ी पर, आप तुम नीचे से सीढ़ी को उठा लूंगा। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पर है, क्या लॉजिक है भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे झरने है? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब हमारे घर में आए हैं, हम कभी इंस्पेक्टर को कभी अपने साढ़ू को देखते हैं। मैं ही डॉक्टर राजू, कहिए इंस्पेक्टर क्या बात है? सुना है सुना है आप साइंटिस्ट बने हैं और कुछ है वो अमर बीमार बनने की दवा बनाई है। बनाई तो है, लेकिन आपने ये खबर कहाँ सुनी? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कान कुछ बड़े होते हैं। खबर उड़ती उड़ती आ गई और मैंने उड़ती उड़ती ही पकड़ ली। ठीक है ठीक है, मैंने दवाई बनाई है, मगर आपको क्या एतराज है? तमीज से बात करो और चुपचाप वो दवा मेरे हवाले कर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों करूं ये दवाई तुम्हारे हवाले? अरे मैंने ये इजाद किया, मैंने इसका आविष्कार किया। आविष्कार गया तेल लगाने। साइंटिस्ट बनने का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस? ओहो, इंस्पेक्टर साहब आपके कहने का मतलब है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है आप उसको जेल में ठूस देते हैं, फिर उसको लतियाते हैं, जुतियाते हैं, चपलियाते हैं, थपड़ियाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? नहीं नहीं, हमरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। अरे राज मेरा साड़ू भाई, दे 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 उनको दवाई, दे दो भाई, नहीं तो हम लक्ष्मी गुड्डी को काम दिखाऊंगा। ओए हमें इमोशनली बतियाओ मत किशनवा। ये साइंटिस्ट बनने का लाइसेंस कब से होने लगा? किसको मालूम? हां है ना, कानून में लिखा है। कौन से कानून में लिखा है? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? आप यहाँ से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं जीजा जी, इन्होंने मुझे बताया कि साइंटिस्ट के पास लाइसेंस होता है। मस्ता का क्या करूँ? मस्ता मस्ता ला ला, हमको तो हमको छिपना है। कौन हो तुम? कौन हो मैं? छुप गए। ये डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अरे वाह डॉक्टर साहब वाह, मजा आ गया। तो चलिए हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। अभी एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरे वो जिगर के टुकड़े जो एक है मेरे साड़ू, और दूसरे मेरे फेफड़े के टुकड़े हैं मेरे साले साहब, वो एक बार आ जाए फिर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। अरे वो आ गए, देखिए आ गए। अरे छुपो मत भाई, आ जाओ आ जाओ, सब अपने लोग आ जाओ, सब प्रेस वाले आ गए, सबके सामने दीदा जी जवाब देंगे। अपना खेल खत्म? नहीं नहीं, कोई खेल खत्म नहीं, डोंट वरी, देखो कैसा करता हूं मैं। आओ ना, कुछ कहना नहीं। हाँ, अरे आप लोग इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, इधर जाइए, इधर। और सब लोग अपना अपना सांसें रोक लीजिए, आप लोगों को तो मालूम है। ये हम महान डॉक्टर कम साइंटिस्ट डॉक्टर राज सेठी। क्या हो गया? तो पता चला है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत मोहब्बत है। साथियों, डॉक्टर राज सेठी ने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी दवा का इजाद किया है जिसकी तारीफ बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर रामा रामा तक ने किया। आईएस महान हाथी को, अन्य महान हस्ती को झुक कर प्रणाम करते हैं जिसने मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कितनी ममता है दिल में, देखो जीजा जी। अब डॉक्टर राज सेठी प्यार के दोस्त सब कहेंगे, कहिए कहिए। देखिए भाइयों बहनों, टाइम प्लीज। क्या करें? देखो किशनवा, तुमने ये प्यार मोहब्बत का नाटक तो बहुत कर लिया, अब इसके इनाम के तौर पे एक बात बताऊं? हाँ बताइए बताइए। ये कोई दवाई ववाई नहीं है, सिर्फ कलर लगा हुआ पानी है। देखिए भाइयों, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, इतनी तारीफ तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इस बार भी तुम हार गए, फुल एंड फाइनल। आप कुछ कह रहे थे? आप बताइए बताइए, क्या क्या? भगवान,
अरे भगवान कुछ दे दे, कुछ तो दे दे, अरे वेज दे दे, नॉन वेज दे दे, कुछ तो दे दे। डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना अपने आविष्कार के बारे में। एक मिनट बताता हूँ भाई। इस दवाई में वो गुण है कि इसे पीते से आदमी अमर हो जाता है, उसे मौत कभी नहीं आएगी। मौत तो दूर की बात है, अगर अगर उसमें कोई वार भी हुआ ना तो ऐसा लगेगा जैसे जैसे फूल झड़ रहे हो। या फिर उस पे अगर लाखों थप्पड़ों की बौछार हो तो ऐसा लगेगा जैसे उसे गुदगुदी हो रही, गुदगुदी। वाह डॉक्टर राज वाह, क्या दवा बनाई है, इससे हर पति को अपने पत्नी के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इस दवाई को ऐजाद करने के बाद मुझे पता चला कि इस दवाई के कारण साडू साडू का खून कर सकता है, साला जीजा जी का खून कर सकता है, बाप बेटे का खून कर सकता है, यहाँ तक कि इस दवाई की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। सुन रहा है, इसका सोडा वाटर के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, खोडा पहाड़ निकला सोडा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस दवाई को मिटा दूंगा। भगवान बहुत भूख लगी है। चलो चलो भाइयों चलो। ठीक है भगवान ठीक है, तेरा ये इंसाफ भी मुझे मंजूर है, पेड़ भी क्या याद करेगा, आज तो कुछ खाया था। भाई लोग एक मिनट रुको यार, मेरे को बताओ तुम मेरे को गुदगुदी क्यों कर रहे हो? अरे हम लोगों ने इसको इतना मारा फिर भी हंस रहा है। इसका मतलब डॉक्टर राज की दवाई वाकई दम है। डॉक्टर राज जिंदाबाद, डॉक्टर राज जिंदाबाद, डॉक्टर राज जिंदाबाद, डॉक्टर राज जिंदाबाद, डॉक्टर राज जिंदाबाद। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। डॉक्टर राज अब वाकई महान है। अरे क्या ड्रामेटिक अंदाज है आपके दवाई के सफलता का नमूना दिखाने में। ये हम क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। आपका प्लान कामयाब हो गया है? जो दवाई आपने फेंकी थी वो ये पी गया, हमने इसे खूब घुसे फूसे मारे लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसे गुदगुदी होने लग गई। हाँ, आपका आविष्कार सफल हो गया, ये आदमी अमर हो गया क्या? हाँ जी। देखिए अमर अमर भाई साहब, थोड़ी सी दवा बची है क्या, देना मेरे को। दवा तो नहीं बची, मुक्के बचे तू क्या?